हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ड्रीम हाउस कैनवस। आज मैं इस पुरानी घड़ी का रेनोवेशन डेकोपाज मेथड से करने वाली हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैं इसे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से पीछे से खोल लेती हूँ ताकि आगे से इसका मिरर हट जाए। ये स्क्रू हम संभाल के रख लेते हैं, ये बाद में हमें इसे रीफिक्स करने के लिए चाहिए होंगे। इसके फ्रेम को अलग करने के बाद हमें इसका ये जो नंबरिंग वाला पोर्शन है इसे वाइट कवर करना है। यहाँ इसे कवर करने के लिए मैं जेसू पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो वाइट एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी तरह वाइट कवर हो चुका है, इसकी नंबरिंग पूरी तरह छुप गई है। अब यहाँ पर मेरे पास ये कुछ प्रिंटेड पेपर्स हैं, ये सिंपल कलर प्रिंट है A4 पेपर पर, और इसके लिए मैं ये वाला प्रिंट यूज़ करूँगी क्योंकि ये क्लॉक मैं अपनी किचन के लिए तैयार कर रही हूँ। क्योंकि ये प्रिंट स्क्वायर में है तो पहले हम इसको मार्क करके कॉर्नर से इसको कट करेंगे। अभी इसमें अच्छी तरह से फिट हो रहा है, क्योंकि मैंने इसकी मशीन को नहीं खोला है क्योंकि ये मुझसे बाद में पिक्स नहीं होती। तो अब मैं पेपर को इन सुइयों के नीचे से फिट करूंगी, इस तरह से साइड में कट लगाकर। अब मैं इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे मॉड पॉज बना रही हूँ। मॉड पॉज रेडीमेड भी मिलता है लेकिन हम इसे घर पे भी बना सकते हैं बहुत इजीली। तो मैंने सिर्फ एक चम्मच फेविकोल में एक चम्मच पानी डाला है और इसका पेस्ट बना लिया है और ये बन गया है मॉड पॉज, जिसे पूरी तरह अप्लाई करने के बाद हम अपने पेपर को उस पर फिक्स कर देंगे और इसे अच्छी तरह टैप कर देंगे ताकि इसमें कोई भी सिलवट ना रह जाए। इसको अच्छी तरह से फिक्स करने के बाद हम इस पर खूब सारा मॉड पॉज अप्लाई कर देंगे ताकि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए और शाइनी टेक्सचर आए। अब ये जो साइड्स अनकवर रह गई हैं इनके लिए मैं ये प्रिंट के जो एजेस मैंने कट किए थे वो बचे हुए यूज़ कर रही हूँ, और इसको मैं लगाकर इस पर पूरी तरह मॉड पॉज अप्लाई कर दूँगी तो इनका जो ये जोड़ हमने लगाया है ये नहीं दिखेगा। अब हम इसको सूखने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारी घड़ी सूख रही है तब तक हम इसके फ्रेम को कलर कर लेते हैं। ये हो गया है, अब हम क्लॉक को फिर से स्क्रू कर देंगे इस तरह से, और ये बहुत प्यारा लग रहा है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द ड्रीम हाउस कैनवस फॉर मोर अपडेट्स।